अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जाऊंगी विंटर्स मोस्ट फेवरेट रेसिपी, यानी कि मिक्स वेजिटेबल पुलाव। आप लोगों ने ये पहले भी बना चुके होंगे, पर अगर आप अपनी मिक्स वेजिटेबल पुलाव इस रेसिपी से बनाएंगे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो मैं 100% कहूँगी कि आप लोग के घर में चिकन और मटन पुलाव से ज़्यादा मिक्स वेजिटेबल पुलाव की फरमाइशें होगी। तो चले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है। इंग्रीडियंट में हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक ग्लास चावल, यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, 2 बड़े साइज़ की गाजर ली है इस तरह से कट करके, 1 कप मैंने लिए है यहाँ पे बंद गोभी, 1 कप मैंने लिया है यहाँ पे मटर, 1/4 कप मैंने यहाँ पे लिया है स्प्रिंग अनियन। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 1 दरमियाने साइज़ की प्याज जो कि सूखी प्याज होती है, 2 मैंने यहाँ पे लिए हैं हरी प्याज उनके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, 5 से 6 लिए यहाँ पर हरी मिर्चें, धनिया लिया है गार्निशिंग के लिए। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे 1/2 कटोरी दही। उसके अलावा मैंने यहाँ लिया है 1 बड़ा चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया। गरम मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है बादियान के फूल 3, उन्हें इस तरह से तोड़ लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद सीरा, चंद मैंने टुकड़े लिए हैं दारचीनी के, 5 से 6 लिए लौंगे और 8 से 9 लिए हैं मैंने काली मिर्च। उसके अलावा मैंने लिया है सॉल्ट टू टेस्ट, कुटी हुई मिर्ची यहाँ पे मैंने ली है 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। सबसे पहले पैन में डाल लें ऑयल, ऑयल यहाँ पे हम लेंगे 1/2 कप। ऑयल में सबसे पहले हम डालेंगे हमारी जो सूखी प्याज, ये प्याज डालनी है हमें तेज़ गर्म ऑयल में, ठंडे ऑयल में कभी मत डालिएगा वरना ये प्याज हमें उस तरह से क्रिस्पी नहीं मिलेगी जैसे कि हमें चाहिए। अब इस प्याज को हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन, ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई। अब हम इसे निकाल लेंगे पेपर टॉवल पर, ये देखिए परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आया है। और इसके बाद इसी ऑयल में हम डाल देंगे हमारी जो हरी प्याज हमने काटी थी, इस तरह से हम इसको हरी प्याज को इसमें ऑयल में डाल देंगे और जो हमारी ब्राउन की हुई प्याज है उसको हम निकाल के रख लेंगे बाद के लिए, आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा कि उसको हमें किस तरह से यूज़ करना है। इस प्याज को, हरी प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना, जिसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और हरी मिर्चों को भी हम तकरीबन 1 मिनट के लिए प्याज के साथ ही भून लेंगे। हमारे प्याज के किनारे जो आप देख सकते हैं कि हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, बस हमें इसको यहीं तक भूनना है, इससे आगे हम इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ में हमने ऐड कर दिया है धनिया और कुटा हुआ गरम मसाला जो कि मेंशन नहीं हो पाया था कि उसको कूटना है, साथ में हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे कुटी हुई मिर्चें और इसके साथ आप ऐड कर दें सॉल्ट, नमक। अब इन तमाम मसालों को हमें भून लेना है अच्छी तरह से जब तक कि ऑयल जो है ये मसाला छोड़ ना दे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कटोरी के करीब बीट किया हुआ दही, दही को बगैर बीट किए हुए नहीं डालिएगा वरना ये कड़ल हो जाता है सारे ही उसके अंदर जाकर, सालन में या राइस में जिसमें भी आप डाल रहे हो। मसाला भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी वेजिटेबल्स, सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, सिर्फ स्प्रिंग अनियंस को हमने नहीं ऐड करना है यहाँ पर। अब हमें इसको अच्छी तरह से मसाले में कर लेना है मिक्स, यानी कि भून लेना है हमें इन वेजिटेबल्स को मसाले के साथ कम अज़ कम 1 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें ऐड कर दें पानी, 1 ग्लास हमने यहाँ पर लिया था चावल तो हम इसमें तकरीबन 2.5 गिलास पानी डालेंगे क्योंकि हमारी वेजिटेबल्स भी गलने में थोड़ा सा पानी यूज़ कर ही लेंगी। कुछ देर बाद हमने यहाँ पे चेक किया यानी कि 12 से 13 मिनट्स बाद तो हमारी वेजिटेबल्स जो है डन हो चुकी हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने इनको काफ़ी बारीक काटा है, आलू भी हमने छोटे टुकड़ों में काटे थे। अब हम यहाँ पर डाल देंगे चावल, चावल जो है वो कभी भी मैं सोख करके नहीं लेती हूँ, चावल को जस्ट मैं वॉश करती हूँ 2-3 पानी से अच्छी तरह और उसको डायरेक्ट डाल देती हूँ पकने के लिए पानी में। इस तरह से जो चावल है वो ज़्यादा आपके खिले खिले बनते हैं, स्टिकी होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अब इन चावलों को हमने ढककर पका लिया था जब तक इनका पानी ड्राई हो, अब चावल हमारे दम पर जाने के लिए रेडी है। पर दम पर लगाने से पहले हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर हमारी जो हमने प्याज रखी थी फ्राई की हुई प्याज, उसे हमें यहाँ पर यूज़ करना था। हमें इसे अच्छी तरह से एक लेयर लगा देंगे उस प्याज की,
ये बहुत अच्छा टेस्ट देगी। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, और उसके बाद हम ऐड कर देंगे हमारे स्प्रिंग अनियन जो पहले हमने ऐड नहीं की थी बाकी वेजिटेबल्स के साथ, उसे हमें यहाँ पर ऐड करना है। अब इनको ऐड कर लेने के बाद हम इन्हें ढक कर 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखिए 10 मिनट बाद हमने चेक कर लिया, हमारी जो मिक्स वेजिटेबल पुलाव रेडी है इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए मिक्स वेजिटेबल पुलाव हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। सारे इन्ग्रीडियंट्स आपको घर में मिल जाएंगे, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये पसंद आएगी। अगर तो ये पसंद आई हो वीडियो तो इसको कर दीजिए लाइक, इसको कीजिए शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। अपकमिंग रेसिपीज, रेमेडीज, इसी तरह की मज़ेदार से विंटर रेसिपीज़ के साथ दुआ में आज